नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से हमारा एनालिसिस सबसे पहले आया और बैंग ऑन, यानी कि जो कहा एग्जैक्टली वही हुआ। आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर करी थी 6:30 पे, 6 बजे शूट कर रहा था, 6:30 बजे पोस्ट करी और 6 बजे अमेरिका ने ना जॉबलेस क्लेम डेटा पेश करा और मैंने एक से लेकर जेड तक सारी चीजें बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपके साथ डिस्कस करी। इनफैक्ट इतनी सिंपल लैंग्वेज थी कि शायद आप आगे के लिए ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जब भी डेटा आएगा। मैंने आपके साथ क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कहा कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले अमेरिका का आता है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, बेरोजगारी दर, जो कि दिखाती है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है और अमेरिका में मंदी आ रही है। इसकी वजह से अमेरिका का बाजार टूट जाता है। जापान की अपना एक प्रॉब्लम, अपना एक इशू है, वो अभी भी स्टिल बरकरार है, लेकिन अमेरिका में ये होता है कि नौकरियां नहीं है लोगों पे। और आज आता है जॉबलेस क्लेम डेटा जो ये दिखाता है कि कितने लोगों पे एक्चुअली में नौकरियां नहीं है और सरकार से वेतन मांग रहे हैं। जो आज जॉबलेस क्लेम डेटा आया ना, वो अनुमान से कम आया, यानी कि जितना बाजार मान रहा था कि जितने लोगों पे नौकरियां नहीं है उसके सामने कम लोगों पे नौकरियां नहीं है डेटा आया। एग्जाम्पल के रूप में मैं उसी वीडियो में मैंने जो कहा था वही बोलूंगा कि डेटा मान के चल रहा है कि 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है और आए हैं केवल 90, यानी कि अनुमान से ज्यादा लोगों पे नौकरियां हैं। सिंपल है इसका मतलब यही। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि अमेरिका में मंदी आ रही है जब लोगों के पास नौकरियां हैं और आपका पहले वाला डेटा कहता है कि नौकरियां नहीं है। तो पहले वाला डेटा आया, आपने नेगेटिव रिएक्शन दे दिया, चलो ठीक है, तो अब पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव रिएक्शन बनता है ना। फिर यही तो बोला था मैंने आपसे कि बनता है। अमेरिका लगभग 100-150 पॉइंट डाउ जोन्स पे ओपन हुआ, करंटली 125 पॉइंट ऊपर है। ये दर्शा रहा है डेटा की इंपॉर्टेंस और सही एनालिसिस सही टाइम पे आपके साथ परफेक्ट टाइम के साथ परफेक्ट चीजें शेयर करी। अब सवाल ये उठता है क्या ये तेजी टिकेगी, क्योंकि तेजी में तो अमेरिका रोज आ रहा है लेकिन बंद होते होते टूट जाता है। देखो आज जो डेटा आया है ना, ये दुनिया भर के मार्केट्स का मूड माहौल सही करेगा, क्योंकि अमेरिका में मंदी है। अब इस पे सवाल उठेगा कैसे कह सकते हो आप मंदी जब जॉबलेस क्लेम डेटा अच्छा आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो मंदी है। आज अमेरिका का बाजार बेशक वापस से टूट भी गया ना, तो भी अब वो डर नहीं रहेगा कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है। ये जो ब्रोकरेज हाउसेस जो कह रहे थे कि हाँ भाई रिसेशन आ रहा है, अब ये पीछे हट जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अमेरिका से जो चिंताएं थी, आई थिंक वो खत्म होते हुए दिख रही है इस डेटा के बाद। अब अगले डेटा का हमें इंतजार है, जीडीपी ग्रोथ का, कि जीडीपी ग्रोथ का नंबर कैसा आता है। अगर जीडीपी ग्रोथ का नंबर अच्छा आया तो फिर क्लियर हो जाएगा कि कोई मंदी नहीं है, तंगड़ी सब कुछ, तंगड़ी इकोनॉमी है। और जीडीपी का नंबर खराब आया तो 3 में से 2 डेटा खराब हो जाएंगे जिसकी वजह से टूट सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है कि ये जो तेजी है आज शायद टिकाऊ होनी चाहिए और ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। ये ग्लोबल मार्केट्स को कॉन्फिडेंस देने वाली तेजी है। अब एक बार मैं अमेरिका के बाजार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डाउ जोन 550 पॉइंट रैली करता हुआ दिखा है, नेस्डेक इंडेक्स 380 पॉइंट्स रैली कर रहा है, 2% से ज्यादा नेस्डेक भाग रहा है आज। S&P 500 भी 2% भाग रहा है और रसल 2000 0.25% भाग रहा है। विक्स 11% घट रहा है वहां पे। तो चौतरफा तेजी है अमेरिका में, तो धुआंधार तेजी, और बनती भी है भैया। इतना शानदार आपका नंबर आया है, जिस नंबर की वजह से आप गिर रहे हो तो उस नंबर की वजह से बढ़ने भी चाहिए, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को लगता है अब भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं 23,800 का, जो मैं बड़े लंबे समय से कह रहा हूं जब से गिरावट शुरू हुई है, कि वो लेवल नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, आई थिंक अब कंफर्मेशन मिलते हुए दिख रही है। फर्स्ट कंफर्मेशन आ रही है कि शायद लेवल नहीं टूटना चाहिए 23,800 का। अब कल क्या तेजी बनेगी, डेफिनेटली देखो जो चीजें दिख रही हैं वो तो बहुत पॉजिटिव हैं, लग तो रहा है फुल फ्लैज की तेजी बननी चाहिए कल, और एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। और उन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कल स्क्रीन पे तेजी बननी चाहिए। हालांकि डेटा आज का भी थोड़ा नेगेटिव साइड पे ही आया है दोस्तों। FIIs एक बार फिर 2626 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं कैश मार्केट में, और DIIs लगभग 577 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। आई थिंक फ्यूचर्स में बड़ा काम हो गया हो तो हो गया हो, कैश मार्केट में तो नेगेटिव डेटा ही है। ओवरऑल देखा जाए तो आपको इस समय मेरे को नहीं लगता ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए। बाकी टेक्निकल टर्म्स पे अमेरिका डबल बॉटम तो फॉर्म कर रहा है डाउ जोन्स पे। अगर ये एक बार आपके लिए ऊपर में 39,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो कंफर्मेशन हो जाएगा ऑलमोस्ट, या फिर थोड़ा स्पेसिफिकली बोलूं तो 587
के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि भैया डबल बॉटम बन गया है और दोबारा 41,000 की तरफ अमेरिका में डाउ जोन्स जाने के लिए तैयार है। तो ये अमेरिका की तरफ से जो बड़ी खुशी आते हुए दिख रही है, और ये कोई बाउंस बैक नहीं है, ये प्रॉपर न्यूज के दम पर स्टॉक मार्केट ऊपर गया अमेरिका का और स्ट्रॉन्ग डेटा के दम पर गया है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब रेंडमली चला गया है। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव तेजी आज की जो आपके साथ मैंने शेयर करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।